भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। हाय फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह ग्रेवाल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मैं किस ब्रीड को कौन सी फीड दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड अगर स्टार्टर हो तो वो सभी को एक ही स्टार्टर दे देते हैं, पपी वाली फीड वो सभी को एक ही दे देते हैं। लेकिन हर एक डॉग का एक अलग अलग डाइजेस्टिबिलिटी होती है, अलग अलग जरूरतें होती हैं। वो स्मॉल ब्रीड चाहे पग हो, उसके बाद चाहे लेब्रा हो, देन लार्ज ब्रीड चाहे वो जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, ग्रेडन हो। तो आज का वीडियो पूरा है इस टॉपिक पर होगा कि हम किस ब्रीड को कौन सी फीड किस एज में दे सकते हैं और अलग अलग फीड बनाने का ब्रीड के लिए क्या क्या फायदा है। हम रनिंग ब्रीड जो कहते हैं वो चलती है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर, पग। ये जो चार ब्रीडें हैं ये अभी रनिंग अभी चल रही है मार्केट में, कह लीजिए इंडिया में हर दूसरे तीसरे घर में ये ब्रीड होती है। हाँ, हर दूसरे तीसरे घर में ये ब्रीड इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रीड स्पेसिफिक लैब्राडोर पपी, पग पपी, जर्मन शेफर्ड पपी और रॉटविलर पपी, ये चार ब्रीड है। चारों की रिक्वायरमेंट अलग है, कितनी कैल्शियम चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। उसके बाद इनके मुंह की बनावट अलग है, इनके दांतों की बनावट अलग है, सब कुछ, इनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। कोई लंबे कोट वाला है, कोई शॉर्ट कोट वाला है, कोई लंबे साइज वाला है, कोई शॉर्ट साइज वाला है, कोई बाद में जाके हेवी वेट हो जाता है, कोई एकदम बिल्कुल तेज तरार रहता है। इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए कंपनी ने स्पेशली ब्रीड स्पेसिफिक तैयार किया। ब्रीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर हम देख सकते हैं लैब्राडोर रिट्रीवर पप्पी, ये बिल्कुल DHA वगैरह हमने इसमें डोकोसो हेक्सानोइक एसिड जो नॉर्मली हम अपने बच्चों को देते हैं जब वो मेरे ख्याल से सेरेलैक वगैरह के स्टेज जब पार होता है, बॉर्नविटा वगैरह आप अगर अपने बच्चे को देते हैं तो उसके अंदर DHA मिला हुआ रहता है। तो सेरेलैक बॉर्नविटा सब में होता है। हाँ, DHA बिल्कुल होता है। तो इन सभी फीडों में आपको पपी के जितनी भी फीड हैं वो सब में DHA मिल जाएगा सर। उसके बाद उसके Omega-3-6 हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा, हाईली डाइजेस्टिबल प्रोटीन इसके अंदर होगा, 48% रियल चिकन और ग्रेन फ्री भी होगा। ये भी ग्रेन फ्री है, मैं आपको बता दूं, ये भी अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की ब्रीड स्पेसिफिक फीड है। जो 4 किलो की MRP होगी सर लैब्राडोर पप्पी की, इसकी MRP होगी ₹1,550 और 12 किलो की जो MRP होगी वो ₹4,250। पग में हमने क्या किया है, पग में हम सिर्फ स्मॉल पैकिंग, एक ही पैकिंग बनाते हैं 4 किलो, जिसकी MRP होगी ₹1,650। और किब्बल जो है, पग का मुंह आपने देखा होगा वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके हमने माउथ के अकॉर्डिंग उस किब्बल को तैयार किया हुआ है, यानी वो दाने को तैयार किया ताकि पग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर सके, ईजिली चबा सके और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर सके, पूरी फीड अच्छे तरीके से उसके खा सके। बहुत सारी आप अगर मेरे फ्रेंड आप पग रखते हो, आपको नोटिस किया होगा कि जब वो डॉग खाता है फीड तो उसके नाक में चला जाता है, वो बहुत दिक्कत आती है। तो इन्होंने पूरा रिसर्च कर उसी हिसाब से फीड ट्राई की, ठीक है। उसके बाद सर जर्मन शेफर्ड आता है। जर्मन शेफर्ड की फीड में हमने क्या किया है कि हमने पहले हमने जैसे बताया था कि जर्मन शेफर्ड लॉन्ग ब्रीड है, आपने देखा होगा पहले दो नॉर्मल अल्सेसियन आते थे, नॉर्मल स्टेप में आते थे, अब क्या होता है कि रॉकेट शेप में जर्मन शेफर्ड आते हैं, जिसमें एंगुलेशन बोलते हो या पीछे से झुका हुआ हो, जो झुका हुआ पीछे से झुका हुआ आगे की तरफ उठा हुआ हो और सिर ऊपर की तरफ हो, यानी जब वो अपना पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जर्मन शेफर्ड खड़ा हो तो एक रॉकेट जैसे फ्लाई करता है, उस हिसाब से उसकी एंगल बनी हुई रहती है। तो वो उसी उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, क्योंकि पीछे उसके टांगों में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने इसमें ज्वाइंट सपोर्ट के लिए ग्लूकोजामाइन यूज करते हैं। ग्लूकोजामाइन आपको पता ही होगा, नॉर्मली अगर कोई हमारे डॉक्टर फैमिली से हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता, ये प्रॉब्लम हमेशा ह्यूमन में भी आती है, ह्यूमन में आती है ओल्ड एज में जाकर, आर्थराइटिस के, हां आर्थराइटिस कहते हैं इसको, या घुटनों में दर्द हो जाता है, गठिया वगैरह की प्रॉब्लम, वो चिकनाहट होती है ना ज्वाइंट्स में,
वो कम हो जाती है और इसमें वो डाला ऑलरेडी हाँ, इसमें ग्लूकोजा मैंने यूज किया हुआ है, तो वो आपके डॉग को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं करेगा। तो ये जर्मन शेफर्ड पप्पी हम वहाँ से दे सकते हैं। रॉटविलर में क्या होता है, रॉटविलर में डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए यहाँ पे डाइजेशन को बेस्ट रखने के लिए हमने इसमें हाईली डाइजेस्टेबिलिटी प्रोटीन हमने यूज करते हैं, ताकि रॉट की डाइजेशन को मेंटेन रहे, बरकरार रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो वहाँ हम रॉट पपी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर लैब्राडोर है, पग है, जर्मन शेफर्ड है, रॉटविलर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फीड दीजिए। मार्केट में पैकिंग की साइज 4 किलो और 12 किलो दोनों अवेलेबल है। और अब लैब्राडोर आप 12 महीने के बाद एडल्ट दे सकते हैं, जर्मन शेफर्ड एडल्ट दे सकते हैं, रॉटविलर एडल्ट दे सकते हैं। ये तीन जो हैं, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर 12 महीने के बाद दे सकते हैं, और जो पग है वो 15 महीने बाद आप इसको शिफ्ट आउट कर सकते हैं एडल्ट रेंज पे। एडल्ट रेंज सर हमारे पास है ब्रीड स्पेसिफिक एडल्ट, सेम एज इट इज लैब्राडोर एडल्ट, पग एडल्ट, जर्मन शेफर्ड एडल्ट और रॉट एडल्ट। सर ये हमारी थी इनका प्राइस अडल्ट। हाँ, एडल्ट का प्राइस हम मैं बता देता हूँ। जैसे लैब्राडोर एडल्ट में 1450 रुपये प्रिंट होगा, अपना पग एडल्ट में 1550 रुपये प्रिंट होगा, जर्मन शेफर्ड में आपको 1450 रुपये प्रिंट होगा और रॉटविलर में 1550 रुपये प्रिंट होगा। ये भी सर अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की फीड है, ब्रीड स्पेसिफिक। सब स्टार्टर बनाते हैं, हमने बनाया लैब्राडोर रिट्रीवर स्टार्टर, दो पैकिंग है, 4 किलो और 1.5 kg, 1.5 किलो। सेम ऑफर है सर, MRP 599, कंटेनर फ्री, और 4 किलो की MRP होगी 1950 रुपये। तो ये लैब्राडोर स्टार्टर है। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं, और माय फ्रेंड ये अगेन ये फीड आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, फ्री होम डिलीवरी है। कुछ जगह कॉस्ट पड़ती है क्योंकि वो रूरल एरिया है, रूपार पड़ जाता है, लेकिन मेट्रो सिटी में हम आप और घर में डिलीवर करते हैं ऑल काइंड ऑफ ड्रूल्स के प्रोडक्ट जो भी आपको हमने यहाँ दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद सर हमारा एक और रेंज आता है, बहुत सारे हमारे डॉग ओनर हैं जो घर में क्या करते हैं कि बाहर से एग्स वगैरह या जो बकरे के कलेजी वगैरह होता है वो ले आते हैं और वो डालते हैं। तो आपको नहीं पता कि वो जो सर का तो पहले पुराना एक्सपीरियंस रहा है फार्म हाउस का, तो वो जो आप लोग पहले चिकन वगैरह तैयार करते थे तो उसके अंदर कोई टीके वगैरह ये बहुत कुछ ये दवाइयाँ वगैरह यूज करनी होती थी, फीड के अंदर ही बहुत होती है। हाँ, फीड के अंदर देखिए पॉइंट वहाँ पे आता है कि कहाँ पे आप टीके वहाँ नहीं यूज करते। वो कहते हैं कि हम पंजे ले आते हैं, कोई अतड़िया ले आता है, कोई वो क्या कहते हैं कलेजी वगैरह लेके आते हैं, तो वो कहते हैं ये बेस्ट है, हम 1-2 घंटा इसको उबालते हैं फिर उसके बाद देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सिर्फ टेस्ट इन्हांसर है सर, तो उस केस में हम आपको नई फीड चेंज कराएंगे। टेस्ट इन्हांसर है, मुझे पता है कि वो चीज़ देना सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसके तोड़ने के लिए, उस चीज़ को तोड़ने के लिए हम आपको एक नई फीड देंगे जो अभी गरीवाल सर से हम स्टार्ट करेंगे उनको एक बार करने के बाद।